Hello everyone, welcome to our channel Kids Breaks. Today we learn the chapter 17 of Earth Natural Friend book for class 1. The chapter's name is Season. आज हम Earth Natural Friend book का chapter 17 सीखेंगे और chapter का नाम है Season. Let's start. Our Earth is surrounded by air. हमारी धरती चारों तरफ से हवा से घिरी हुई है. द डिफरेंट कंडीशंस ऑफ एयर, अलग अलग स्थितियां हवा की ब्रिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेज. और जब डिफरेंट कंडीशंस होती है एयर की तो वो दिन भी अलग अलग तरह के लेकर आती है. द कंडीशन ऑफ एयर इज कॉल्ड वेदर, हवा की स्थिति को हम वेदर कहते हैं यानी मौसम कहते हैं. When a particular type of weather remains for a long time, it is called a season. जब एक जैसा weather बहुत लंबे समय तक एक ही जगह पर रहता है तो हम उसे बोलते हैं season. There are 5 seasons. 5 तरह के seasons होते हैं. Summer, winter, autumn, spring and rainy season. यानी गर्मी, सर्दी, पतझड़, बसंत और बरसात का मौसम. समर, समर इज अ सीजन ऑफ हॉट डेज. समर यानी कि गर्मियाँ, गर्म दिनों का सीजन होता है. द सन शाइन्स ब्राइटली, इन दिनों में सूरज बहुत तेज चमकता है. द स्काई इज क्लियर, आकाश एकदम साफ होता है. पीपल वेयर लाइट कॉटन क्लोथ्स, लोग जो हैं वो बहुत हल्के कॉटन के कपड़े पहनते हैं. कोल्ड ड्रिंक्स एंड ईट आइसक्रीम्स, और कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम खाते हैं. फैंस, कूलर्स एंड एयर कंडीशनर्स आर यूज्ड टुवर्ड्स ऑफ द हीट इन हाउसेस एंड ऑफिसेस. फैन, कूलर्स, एयर कंडीशन जो है वो चलाए जाते हैं घरों में और ऑफिसेस में. क्यों? ताकि जो गर्मी है वो दूर हो जाए. विंटर, विंटर इज द कोल्ड सीजन, विंटर जो है वो ठंडा मौसम होता है. द सन शाइन्स डिम ऑन दिस डेज, जो इन दिनों में सूरज बहुत ही धीरे चमकता है यानी तेज चमकता नहीं है. द डेज आर चिली, और जो दिन है वो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं. पीपल वेयर वुलन क्लोथ्स, लोग जो हैं वो ऊनी कपड़े पहनते हैं. एंड यूज हीटर्स और ब्लोअर्स, और वो ऊनी कपड़े पहनने के साथ साथ हीटर्स और ब्लोअर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं टू कीप देमसेल्फ वार्म, ताकि वो अपने आप को गर्म रख सकें. टी एंड कॉफ़ी आर फेवरेट ड्रिंक्स ऑफ विंटर सीजन, टी और कॉफ़ी जो है वो विंटर सीजन की सबसे ज़्यादा पी जाने वाली फेवरेट यानी सबकी पसंदीदा ड्रिंक्स होती है सर्दी के मौसम में पीने वाले. रेनी यानी बरसात, द रेनी सीजन इज कॉल्ड मॉनसून इन इंडिया. हम इंडिया में, भारत में रेनी सीजन को मॉनसून सीजन भी कहकर बुलाते हैं. द डेज आर वेट एंड द स्काई इज क्लाउडी, और इन दिनों में जो डेज होते हैं वो बिल्कुल वेट होते हैं यानी गीले होते हैं, और स्काई जो है वो बादलों से भरा हुआ रहता है. People wear gum boots, raincoats and use umbrellas also. लोग जो है वो gum boots पहनते हैं, raincoats और umbrella भी use करते हैं. Spring, spring is the most pleasant season of the year. Spring जो है यानी कि बसंत का मौसम सबसे सुंदर मौसम होता है साल का. It is a mild season with soft breeze. ये बहुत ही हल्का सीज़न होता है, और जब जो हवा है वो भी बहुत ज़्यादा हल्की यानी सुंदर, जो मध्यम मध्यम जो है वो चलती है. टेम्परेचर इज आल्सो नॉर्मल, टेम्परेचर जो है वो भी बिल्कुल नॉर्मल होता है, तापमान बिल्कुल नॉर्मल रहता है. एंड पीपल लव टू वॉक आउट इन ओपन ड्यूरिंग दिस डेज, और लोग जो है इन दिनों घर से बाहर जो है वो चलना फिरना पसंद करते हैं, वो वॉकिंग भी करते हैं, बाहर जाते हैं, घूमते फिरते हैं. प्लांट्स बियर न्यू ब्राइट लीव्स एंड
फ्लावर्स ब्लूम इन प्लेंटी टू मेक द अर्थ कलरफुल ऑल अराउंड। इन दिनों में जब प्लांट्स यानी कि पौधों पर नई पत्तियां आती हैं और उन पर नए फूल खिल जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, और इसीलिए पूरी धरती जो है वो कलरफुल लगती है चारों तरफ। ऑटम यानी कि पतझड़। ऑटम इज नाइदर टू हॉट और नॉर टू कोल्ड। पतझड़ का जो मौसम होता है वो ना तो ज़्यादा गर्म होता है और ना ही ज़्यादा ठंडा होता है। द वेदर इज डल, इस टाइम पर जो वेदर होता है वो बिल्कुल डल होता है। द लीव्स ऑफ द ट्रीज टर्न येलो। इन दिनों में जो पेड़ों की पत्तियां होती हैं वो पीली हो जाती हैं। एंड फॉल टू द ग्राउंड, और पीली होकर धरती पर यानी ग्राउंड पर गिर जाती हैं। समटाइम्स अ स्ट्रॉन्ग विंड ग्लोज, और कभी कभी जो है वो बहुत तेज हवाएं यानी आंधी भी चलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।